नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सर। नेकपा माओवादी के 8 गोटे सांसद सब मानव तस्करी में संलग्न रहलकै, त अनुसंधान शुरू, पार्टी द्वारा सेहो छानबीन। आ इस्लाम धर्मावलंबी सभा के पावन ईद उत्तर फित्र, सरकार द्वारा सार्वजनिक छुट्टी के घोषणा। तत्कालीन सभासद सदरुल मियाँ हक के हत्या आरोप में उनके कन्या आ बेटी के जिला अदालत राजबिराज द्वारा कमकैद का फैसला। धमसा के हरदीनाथ बनेनिया स्थित राष्ट्रीय धान वाले अनुसंधान कार्यक्रम, किसान से बेसी कर्मचारी के हितकर संस्था बनल। आ स्पेन के एक अदालत द्वारा अर्जेंटीनी फुटबॉल स्ट्राइकर मेसी के 21 महीना के जेल सजा। मानव तस्करी या सरकारी कागज पत्र नकली बनने अनुसंधान में 8 गोटे सांसद पड़ल। स्पेन जा के लिए पेश केने सरकारी पत्र नकली बनाकर दूसरे व्यक्ति के नाम में थपि कर मानव तस्करी में संलग्न रहल के विषय में प्रहरी ओकरा सबके अनुसंधान के दायरा में अन्याय छ। अनुसंधान के दायरा में तानल गेल 8 सांसद माओवादी केंद्र के छ। परराष्ट्र मंत्रालय के कंसुलर सेवा विभाग के सिफारिश पत्र नकली बनाकर नकली पीए बनाकर असंबद्ध व्यक्ति के नाम थपने विषय में केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सांसद गोमा कुबर, डोर प्रसाद उपाध्याय, सृजना तमारू खत्री, संत कुमार थारू, रूपा महर्षण श्रेष्ठ, राम माया बोगटी, दिल माया धामी आ धाना पहरी ऊपर अनुसंधान आगू बढ़ल। संसद सचिवालय के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क तथा समन्वय शाखा के भिसा सिफारिश पत्र के आधार में कंसुलर सेवा विभाग उनका सबके नाम में सिफारिश पत्र देने छल। संसद सचिवालय आ विभाग के पत्र में सांसद के मात्र नाम सिफारिश छल। मुदा स्पेन के लिए भिसा आवेदन करित काल सबके पत्र में व्यक्तिगत सहयोगी के रूप में एक एक गोटे के नाम थपल गेल छल। प्राप्त केने कंसुलर के पहल पत्र में कूटनीतिज्ञ राजधानी के नंबर सहित स्पेन जाय वाला सभासद के नाम, कार्यक्रम आ कार्यक्रम के अवधि उल्लेख है। दूतावास में भिसा के लिए पहुंचल कंसुलर के पत्र में सांसद के नाम, कार्यक्रम आ कार्यक्रम के अवधि संगे सांसद संगे अन्य एक गोटे के नाम से थपल गेल। नेकपा माओवादी केंद्र अपन 8 गोटे सांसद मानव तस्करी या सरकारी कागजात नकली केने अभियोग में पड़ला के बाद एक विषय में यकीन कर छानबीन समिति गठन कलक। नेकपा माओवादी केंद्र के बुद्धिन पार्टी मुख्यालय में बैसल पोलिट ब्यूरो बैसार से अमित शेरसन के संयोजकत्व में कृष्ण बहादुर महरा आ प्रवक्ता पंपा भूषाल सदस्य रहल छानबीन समिति गठन कलक। नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB सांसद सब गोमा कुबर, संत बहादुर थारू, डोर प्रसाद उपाध्याय, रूपा महर्जन, राम माया बोगटी, सृजना तरामू खत्री, दिल माया धामी आ धाना पहाड़ी ऊपर स्पेन जा सरकारी पत्र नकली बनाकर दूसरे एक गोटे व्यक्ति के नाम से थपने अभियोग में छानबीन आगू बढ़ौला के बाद माओवादी केंद्र 3 सदस्य छानबीन समिति गठन कर। शहीद देवता परिवार, घाइते अपांग, आम पार्टी कार्यकर्ता र आम जनता में उत्साह पैदा कर पाइयो। एउटा दोस्रो चाहिँ संगठनात्मक हिसाब से अलिकति ठूलो आयोजक समिति बने, अब आउने सम्मेलन महाधिवेशन में इसलिए चुस्त दुरुस्त कमिटी बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरुको सुझाव छ। अनि अर्को विषय चाहिँ हामीले संगठन तथा निर्वाचन प्रणाली बारे बनाएको कार्यदलको जो एउटा प्रस्ताव थियो त्यसलाई प्रस्तुत गरियो र भोलि त्यस छलफल गरेर निर्णय गर्ने गरेर आजको बैठक टुङ्गियो। संसद सचिवालय के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क तथा समन्वय शाखा के पत्र के आधार में परराष्ट्र मंत्रालय के कंसुलर सेवा विभाग 8 गोटे सांसद सब के भिसा लगा देव सिफारिश केने में दिल्ली स्थित स्पेनी दूतावास में पेश किया गया पत्र में 8 सांसद अन्य एक गोटे के नाम थपल भेटल। स्पेनी दूतावास पत्र ऊपर शंका लाइक कंसुलर सेवा विभाग संग पूछला के बाद माओवादी के 8 गोटे सांसद के हरकत बाहर आयल। ओकरा सबके स्पेन के अलग अलग मिति में होबे वाला कार्यक्रम में सहभागिता के लिए भिसा आवेदन देने छल। घटना सार्वजनिक भेला के बाद माओवादी के 8 गोटे सांसद से व्यवस्थापिका संसद के बुद्धिनक बैसार में अनुपस्थित रहल। पोलिट ब्यूरो बैसार में भाजपा वाला नेता सब सांसद सब सरकारी कागजात नकली केने आ मानव तस्करी कर चाहने घटना से पार्टी के बदनाम भेल कहित कार्रवाई के मांग कला के बाद बैसार छानबीन समिति गठन केने अछि। बैसार में पार्टी के संगठन संरचना आ निर्वाचन विधि के विषय में छलफल हो तो कोनो निर्णय नहीं भेल प्रवक्ता पंपा भूषाल जनतब दिलिये छ। बैसार आई धर के लेल स्थगित भेल छ। इलाज में संलग्न चिकित्सक सब कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला के अवस्था अखनो गंभीर रहल बताने आई छ। बुध के 3 बजे पत्रकार सब के कैल गेल ब्रीफिंग में कोइराला अखनो वेंटिलेटर में रहल जानकारी करौलक। दवाई काज कर रहा है तैयो अवस्था गंभीर है। डॉक्टर लव नरसिंह जोशी कहलन 24 घंटा नहीं देखा देर
की अछि से कहके अवस्था नै अछि। एहिसँ आगू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपा एयर एम्बुलेंस विदेश लऽ जैतो इलाज कराबके कहितो निष्कर्ष लागल नै सकल अछि। इलाजमे संलग्न चिकित्सक इलाजके लेल लऽ जायवला समयके बीमारीके देख काम कर सकत या नै सकत से कहके अवस्था नै रहल उल्लेखनीय अछि। तैयो यही विषयमे खुला रखने बतौनी अछि। मंगल दिन साँझमे 8 बजे एकाएक असहज महसूस भेलाके बाद ओम अस्पताल पहुँचल महामंत्री कोइरालाके ब्लड प्रेशर किछु न्यून देखल गेलाके बाद हुनका अस्पताल भर्ना कराओल गेल छल। मुदा काल्हि भिनसरमे 5:30 बजे हुनका नर्स सब अचेत अवस्थामे देखलाके बाद चिकित्सक सबके खबर केने छल। ओहि समयमे हुनकर रक्तचाप 60-40 छल, तस देहमे ऑक्सीजनके लेवल मात्र 69% छल। ओ उल्टी सेहो केने छलथि। ओकर बाद चिकित्सक सब हुनका CPR देबके सङ्गे इंट्यूबेट केने छलथि। ओहिके बाद हुनका वेंटिलेटरमे राखल गेल छनि। कांग्रेस महामंत्री शशांक कोइरालाके भेट जायवला नेता सबके ओम अस्पतालमे भीड़ लागल अछि। कोइरालाके स्वास्थ्यमे एकाएक समस्या होलाके बाद चावाहिल स्थित ओम अस्पतालके ICU कक्षमे वेंटिलेटरमे राखिके इलाज कराओल जा रहल अछि। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमालेक अध्यक्ष KP शर्मा ओली कोइरालाके भेट अस्पताल पहुँचल छलथि। ओ कोइरालाके ICU कक्षमे पहुँचकर भेट केलथि। नेता सब ICU कक्षमे बैसकर भेटघाट करैत काल अस्पतालमे बेसी भीड़भाड़ देखल गेल छल। एहन भीड़भाड़सँ बीमार सबके असर करत तैयो अस्पताल प्रशासन भीड़ नियंत्रण कर नहीं सकल अछि। प्रधानमंत्री ओली कोइरालाके इलाजमे सरकार के दिशसँ कोनो कमी होबय नहि देब प्रतिबद्धता जनौनी अछि। हुनका सङ्गे अस्पताल पहुँचल मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी सङ्ग प्रधानमंत्री कोइरालाके इलाजके विषयमे छलफल केने छल। शशांकके भेट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपा, नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, सुजाता कोइराला लगायतके नेता सब अस्पताल पहुँचल छलथि। तहिना कहि एमाले नेता माधव कुमार नेपाल, राप्रपा नेपालक अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपा नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की सेहो अस्पताल पहुँचकर कोइरालाके स्वास्थ्य अवस्थाके विषयमे जानकारी लेने छलथि। अस्पतालमे शशांकके स्वास्थ्यके विषयमे बुझल नेता सांसद कार्यकर्ता सब सेहो पहुँचऽके क्रम सब आइयो जारी रहल अछि। अखन अस्पतालमे हुनका देखय लेल भीड़ लागल अछि। परिवारजन सब सेहो चिन्तित अछि। अस्पतालमे शशांकके दीदी सेहो रहल, कांग्रेस नेत्री सुजाता सेहो पहुँचल छलीह। जखन शशांकके भेटकऽ घुरली तखन बेसी गंभीर आ भावुक देखबामे अबैत छली। सुजाता बम्मा हाथसँ आँसू पुछैत बहरायल छली। सरकार इस्लाम धर्मावलम्बी सभक पावनि ईद उत्र फित्रके दिन आइ सार्वजनिक विदा देलक अछि। इस्लाम सभक 1 महीना रोजा उपवासके अन्तिम दिन आकाशमे चन्द्रमा देखल गेल प्रातिभिने ईद उल फित्र पर्व मनाओल जाइत अछि। ई पाबनिमे इस्लाम धर्मावलम्बी सब मस्जिद आ ईदगाहमे जमा भऽ कऽ नमाज पढ़लाके बाद एक आपसमे गला मिलाकऽ ईदके शुभकामना आदान प्रदान करैत अछि। नमाज आगू हरेक मुस्लिम अपन अपन दिशसँ धर्मगुरु आ मस्जिद कमिटी तोकने रकम सदैव फित्र बुझबैत अछि। ओ रकम गरीब, असहाय आ अनाथके लेल खर्च करैके परम्परा अछि। ईदके नमाजके बाद 3 दिन धरि परिवारजन, इष्टमित्र, पड़ोसी आ साथी भाइके बजाकऽ सेवई, खजूर लगायतके मिठ खाइवला चीजसब खुआबके परम्परा रहल अछि। तहिना मान्यजन सब सङ्गे लड़का लड़कीके आशीर्वाद स्वरूप नगद देबके चलन सेहो रहल अछि। विघटित संविधान सभा सदस्य मोहम्मद सदरुल मियाँ हकके हत्या आरोपमे हुनकर पत्नी नूरजहाँ खातून आ बेटी रुबेदा खातूनके जिल्ला अदालत राजविराज जन्मकैदके फैसला केलक अछि। जिल्ला न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद पोखरेलके एकल इजलाससँ 52 वर्षक नूरजहाँ आ 21 वर्षक रुबेदाके जन्मकैदके फैसला केलक अछि। सङ्गे मुख्य आरोपित सिराहा जिला पत्री गाविसँ 6 घर रहल लहान नगरपालिका 6 रनियार 40 वर्षक अब्दुल रौफके सेहो सर्वस्वसहित जन्मकैद केने अदालत जनौलक अछि। सप्तरीके कल्याणपुर गाविसँ 2 निवासी 55 वर्षक हकके हत्या योजनाकार बेटी रुबेदा आ रौफके 2017 जेठ 23 गते, नूरजहाँके 2017 जेठ 24 गते नेपाल प्रहरीके केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोके विशेष टोली पक्राउ केने छल। हत्याके मुख्य योजनाकार आ संलग्न रुबेदाके प्रेमी भारतीय नागरिक भक लहा नगरपालिका 5मे रहिकऽ झाड़फूँकके काज करैत आयल। 39 वर्षक अमीरुल शेख आ सिराहा सत्री गाविसँ 2के 34 वर्षक एनुल शेख फरार रहल प्रहरी जनौलक अछि। रुबेदा आ जमीरके प्रेम सम्बन्धके विषयमे माय नूरजहाँके सहमति रहितो पूर्व सभासद एवं रुबेदाके बाबू हकके असहमतिमे 2069 साल फाल्गुनमे रोहतमे जाकऽ विवाह केने आ ओहि विवाहके हक अस्वीकार करैत आयलमे प्रेममे बाधक बनल कहैत हकके पत्नी नूरजहाँ, बेटी रुबेदा आ बेटीके प्रेमी जमीरुल योजना
के योजना में हत्या भेल छल। विक्रम संवत 2070 साल जेठ 6 गते ओसब राति में पूर्व सभासद हक सुतल कल्याणपुर 2 स्थित हुमा आयल ट्रेडर्स पेट्रोल पंप में धरगर हथियार प्रहार का हत्या केने छल। व्यवस्थापिका संसद में आगामी आर्थिक वर्षक बजट के विषय में सांसद सब उठाने सवाल के ऊपर मंत्री सब जवाब देवे के क्रम शुरू भेल छ। संसद के बैसार में बुध दिन 12 गोटे मंत्री सब अपन अपन मंत्रालय के विषय में उठाओल गेल सवाल के ऊपर जवाब देने अछि। बैसार में वाणिज्य मंत्री जयंत चंद, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री शिवलाल थापा, जनसंख्या तथा वातावरण मंत्री विश्वेन्द्र पासवान, पर्यटन मंत्री आनंद प्रसाद पोखरेला, सिंचाई मंत्री उमेश यादव पाले पालो जवाब दिलथ। जवाब देवा क्रम में मंत्री सब संसद सब उठाने आवाज के संबोधन कर जका काज कर के प्रतिबद्धता जनौने छलथ। ऐना का आपूर्ति मंत्री गणेश मानपुन, सामान्य प्रशासन मंत्री रेखा शर्मा, पशु पक्षी विकास मंत्री शांता मानवी, संचार मंत्री शेरधन राय, स्वास्थ्य मंत्री रामजनम चौधरी, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्री राम कुमार सुब्बा आ कृषि विकास मंत्री हरिबोल गजरेल से अपन अपन मंत्रालय के विषय में उठाओल गेल विषय में जवाब देने छलथ। कृषि विकास मंत्री हरिबोल गजरेल गणतंत्र वाला के बाद बनल कोनो सरकार कृषि के प्राथमिकता नहीं देने कारण युवा सब रोजगारी के लिए विदेश जाय बाध्य भेल कहत कृषि के प्राथमिकता नहीं देल के विषय में प्रमुख दल के शीर्ष नेता सब के जवाब देवे पड़त बतौलन। ओ कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए भूमि सुधार लागू करे पड़त बतौलन। ओ जनता के जीवन में सुधार आने के लिए कर्मचारी के दोष तक अपने ऊपर के छत बन के प्रवृत्ति प्रधानमंत्री या सब मंत्री सब के त्याग पड़त से बतौलन। कानून शांति तथा पुनर्निर्माण, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात लगायत के 13 मंत्रालय अंतर्गत विनियोजित शीर्षक के विषय में सांसद सब उठाने प्रश्न के संबंधित मंत्री सब अखार 24 गते तथा गृह, शिक्षा, अर्थ लगायत के 5 मंत्रालय आ प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति के कार्यालय तथा राष्ट्रीय योजना आयोग के लिए विनियोजित बजट के विषय में अखार 25 गते जवाब देवे के कार्यक्रम रखल गेल छ। आई ईद के कारण सार्वजनिक विदा भेला से संसद के बैसार अखार 24 गते धरि के लिए स्थगित कयल गेल छ। व्यवस्थापिका संसद बाढ़, पहिरो आ डुबान तथा महिला हिंसा के घटना के विषय में जानकारी कराबत सरकार के रूलिंग कलक। व्यवस्थापिका संसद के काल बैसल बैसार में सभामुख अनुसार इकर्ती बाढ़, पहिरो आ डुबान तथा महिला हिंसा के घटना के विषय में सांसद सब के किछ समय एम्हर निरंतर आवाज उठौने कहत जवाब देव सरकार के निर्देशन देने अछि। सभामुख घरती रूलिंग कर से पहिने सत्तारूढ़ नेकपा एमालेक सांसद सब प्राकृतिक प्रकोप से भेल क्षति के विषय में अपने सब निरंतर रूप में आवाज उठबितो सरकार जवाब नहीं देने कहते रूलिंग के लिए सभामुख घरती के ध्यान आकर्षण करने छल। संसद अमृत बोहरा बाढ़ पहरो से प्रत्येक दिन धनजन के क्षति भ रहल होतो, रोकथाम के प्रयास तथा राहत आ उद्धार के विषय में सरकार जवाब नहीं देने के कारण मांग कलन। अहिना का दोसर सांसद प्रकाश ज्वाला किछ समय पहिने भारत के देहरादून में 10 गोटे नेपाली कामदार के जान गेल विषय में सरकार के जानकारी नहीं करनाय आपत्तिजनक रहल बतौलन। वो सड़क निर्माण के क्रम में जान गुमाने कामदार के परिवार के, काबुल में मारल गेल कामदार के परिवार के जका क्षतिपूर्ति देवे तथा घटना के विषय में परराष्ट्र मंत्री या गृह मंत्री से जानकारी कराबे के व्यवस्था के लिए रूलिंग कर सभामुख के ध्यान आकर्षण करलन। बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसक सांसद रामहरि खतिवड़ा प्रस्ताव न्याय परिषद न्यायाधीश नियुक्ति के लिए केने सिफारिश तथा मंत्री परिषद राजदूत नियुक्ति के लिए केने सिफारिश फिरता कर के मांग केने छलथ। धनसा के हरदीनाथ बनिनिया स्थित राष्ट्रीय धान बाली अनुसंधान कार्यक्रम किसान से बेसी कर्मचारी पाला वाला केन्द्र साबित होइत गेल छ। एक कर्मचारी के अनुसार कार्यरत कुल 46 गोटे कर्मचारी में से अधिकांश के आवास के सुविधा सेहो कार्यालय प्रांगण भित्रे दैतो कार्यालय समय में अधिकांश शाखा आ ओकर कार्यालय में ताला बंद रहल देखे में अबित छ। नाम नहीं खोल के शर्त में एक कर्मचारी कहलन जे जनकपुर शहर क्षेत्र से दूर चोरी में कार्यालय रहल मौका देख कर कर्मचारी सब सेहो मौज में अछि। कार्यालय प्रमुख स्वयं सेहो प्राय कार्यालय बाहरे रहते आला से सेहो अन्य कर्मचारी से मनमौजी करते अछि। नेपाल सरकार, नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद नार्क अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के उद्देश्य धान बाली में आधुनिक प्रविधि, नया नया जात के धान के अनुसंधान प्रयोग आ सफलता, माइट परीक्षण तथा किसान के ओकर जानकारी कराब रहितो कार्यक्रम किसानमुखी बन नहीं सकल किसान सब के आरोप रहल छ। धानबाली के अनुसंधान करे वाला कार्यक्रम आ ओकर कर्मचारी सब प्रत्येक आर्थिक वर्ष में आबे वाला बजट के रकम के मात्रे अनुसंधान करते आयल आरोप किसान सब लगौने अछि। मंत्रालय जका भौतिक पूर्वाधार सहित के कार्यालय रहल कार्यक्रम किसान के हक में काज कर नहीं सकल उपराग सर्वत्र अछि। एम्हर कार्यालय में भेंट होब नहीं सकल कार्यक्रम प्रमुख वेदानंद चौधरी टेलीफोन संपर्क में कार्यक्रम अबेर सेहो 3 किस्म के नया जात के धान प्रयोग में आन लागल गेल दावी कलन। हुनका अनुसार अबेर राधा
राधा 13 राधा 14 आ सुगंधित धान 1 प्रयोग के लेल परीक्षण में आनल गेल बतौलन। प्रत्येक वर्ष धनसा में धान बाली के उत्पादन घट रहल समय में प्रमुख चौधरी किसान सबके बेर बेर गाँवे में जाकर विभिन्न तालीम सेहो देने दावी करित छथि। बीतल लागल आर्थिक वर्षक बजट आ ओहि में भेल काम सबक विषय में कैल गेल प्रश्नक जवाब में प्रमुख चौधरी देव नहीं सकलथ। ओ अखन धरि कार्यालय ओकर लेखाजोखा कर नहीं सकल कहित बात टार चाहलथ। अखार 25 गते धरि मात्र ओ तथ्यांक यकीन होब सकत हुनकर कहब छलनि। तैयो ओ हुनका सहित कार्यालय के संपूर्ण कर्मचारी संपूर्ण बजट बापत काम क चुकल आ बजट फ्रीज होब के संभावना नहीं रहल दावी कयने छथि। हजुर कार्यक्रम विषयले हामीले जति कार्यक्रम भएर स्वीकृत भएर आउँछ जो हुन्छ नि लक्ष्यमा भएको जति हामीले चाहिँ अब लगभग 90 ओभर चाहिँ 95 ओभर चाहिँ प्रगति चाहिँ हरेक वर्ष हरेक चौबसीमा चाहिँ एक दिस बजट फ्रीज होब नहीं सक के दावी आ दोसर दिस भेल खास के प्रगति विवरण उपलब्ध करावाना कानी कला से कार्यक्रम के बजट सदुपयोग भेल कि नहीं भेल ओहि पर शंका उपजल किसान सबके आरोप है। धनसा के भोल में हाथ पैर बांध कर एक लड़की के पीटपाट केने घटना में धनसा प्रहरी 4 गोटे के नियंत्रण में लेलक है। जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 18 अनियार भोल के 13 वर्षक बालिका के काजल मंडल के पीटपाट केने घटना में धनसा प्रहरी 42 वर्षक सुजीत मंडल 20 वर्षक जितेंद्र मंडल 18 वर्षक रितेश मंडल आ 18 वर्षक राम हृदय पंडित के नियंत्रण में लेलक है। बबनगामा उच्च मावि में अध्ययनरत काजल मंडल संगे अध्ययन करवला नितेश मंडल के बहिन छोटी कुमारी मंडल टोले के लड़का संग भागल विषय में काजल के जानकारी हो तो अपना के खबर नहीं केने कहित 4 गोटे ओकरा मर जका पीटपाट केने छल। घायल काजल मंडल के मंगले दिन जनकपुर अंचल अस्पताल में भर्ना कराओल गेल छल। भर्ना के बाद सामान्य भेल काजल के काल्हि भिनसर घर पठाओल गेल अस्पताल स्रोत जनौलक अछि। प्रहरी पकड़ाओ पड़ल 4 गोटे के सार्वजनिक अपराध अंतर्गत मैद थप कऽ अनुसंधान कऽ रहल जनौलक अछि। जनकपुर में मधेशक अवस्था संबंध में कार्यशाला आयोजना कयल गेल अछि। जनकपुर स्थित यात्री निवास में मधेश मानव अधिकार मधेशक अवस्था पर मिथिला कला चित्र सब तत्काल तैयार कऽ प्रदर्शन कयल गेल छल। श्याम सुंदर यादवक संयोजन में कयल गेल कार्यशाला में 2 गोटे पुरुष सहित 13 गोटे कलाकार लोकनि मिथिला आर्ट्स तैयार कयने रह। कार्यशाला में धनुषा 72 सिरहा आ 70 कलाकार लोकनि के उपस्थिति रहल छल। वर्षे भरि अपन गाम ठाम क्षेत्र जिला आ अंचल के विकास नागरिक के जीवन स्तर सामाजिक सुरक्षा आर्थिक वृद्धि के लेल राष्ट्रीय रूप में कतेक महत्व पेलक आ राज्य कतेक संवेदनशील अछि ओहि चीज के बजट भाषण एवं सरकारी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम झलकबैत अछि। समग्र देश के ध्यान रहैत अछि बजट भाषण एवं नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण अवसर पर, मुदा नेपाल में एहन होइत अछि बजट भाषण में देश भित्र के समग्र जनता आ बाहरी निकाय के आश्वस्त कर भाषण में किछ कयल जाइत अछि आ लगले कार्य कार्यान्वयन पहिल चरण में किछ और। वही के दृष्टांत कहू आ शिकार निजगढ़ काठमांडू जाय जोड़े वाला द्रुत मार्ग बनल अछि। द्रुत मार्ग निर्माण के लेल बजट भाषण में 10 अरब छुट्याओल गेल। कार्यान्वयन चरण में सरकारक आधिकारिक रेड बुक में द्रुत मार्ग चर्चे नहीं पड़ल। वही शीर्षक में 10 अरब रकम पहाड़ी क्षेत्र के सड़क के लेल विनियोजन कयल गेल। राज्य से अत्यधिक धेर कपट होत काल जनकपुर सर्वसाधारण से पूछने छलौं बजट भाषण में छुट्याओल गेल बजट अनियंत्र लसा के सरकारी प्रवृत्ति संबंध में अहाँ की कहब की है अहाँ के बात जेना के पहले आधा अधूरा रह गेलै पूरा काम तखन तक नहीं भ सकल छै नै तब ओहि में सब बजट काट के जे पहाड़ में देल के ओहि सब बढ़िया त अहाँ के भूकंप पीड़ित सब छलै है भूकंप पीड़ित सब के जे जीतै तो ओकरा सबके ओकरा राहत अखन तक नहीं भेट रहल छै। अहाँ के जते प्रोजेक्ट सब लबै छै ना अपने के टोटल कथि के मधेश के लागि तऽ लबै छै लेकिन जते कथि के अगर यूटिलाइजेशन छै अहाँ के लगभग लगभग पहाड़ में करै छै। कोनो प्रोजेक्ट अगर कथि के पर्टिकुलर जनकपुर में लबै छै एमे नहि छै अहाँ के एतय कथि के विकास करै कम प्रभावित क्षेत्र में दर्ज जीते जे अखन पालमुनि में रह रहा है। नेपाल कृषि प्रधान देश में एठमन कृषि में लगानी होती से नहीं लगानी भ कर अन्य दोसर चीज में लगानी भ रहा है। मधेशी पहाड़ी के फीलिंग क के मधेश पर हमेशा दमन के नीति ल के जे से वो सब नीति निर्देशन बनबे छै ताहि ल के वो बजट जे अगर रातों किताब से काट के या पहाड़ी इलाका में अथवा सुनसरी इलाका में देलकै है वो बहुत अन्यायपूर्ण बात कैलकै है। अगर रातों किताब में से ही बजट हटा कर जो अहाँ के विनिमय
पहाड़ दिस कहने हेतु तो तराई के मधेश के दुर्भाग्य है क्या कि काठमांडू और निजगढ़ के खास करके तराई के सबसे नज़दीक और सबसे द्रुत और सबसे बढ़िया रास्ता चले तो हमारा विचार से तराई के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हेतु तराई के अपने के बजट रहा आ पहाड़ में दल के बहुत खराब चीज है के लिए जनता या सब मिलके के आवाज उठब। जनकपुर में तीन दिन से जारी मिथिला नाटक महोत्सव 2073 सम्पन्न भेलै छ। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमांडू के आयोजना में सोम दिन से शुरू भेल नाटक महोत्सव में प्रत्येक दिन दू दूटा कक तीन दिन में छटा नाटक के प्रदर्शन कैल गया। पहले दिन राजेन्द्र विमल लिखित उधार जुत्ता आ वैद्यनाथ मिश्रक यात्रिक महेन्द्र मलंगिया से रूपांतरित बज्जर खसो एहन जाति पर, दोसर दिन आशु रचना के माथक मोल आ रामेश्वर शाह लिखित दासी जीवन तथा तेसर एवं अंतिम दिन महेन्द्र मलंगिया लिखित काठक लोक आ रमेश रंजीत लिखित सखी नाटक प्रदर्शन कैल गया। नाटक महोत्सव में जनकपुरक चर्चित मिथिला नाट्य कला परिषद, मिथिला नाट्य संस्थान मधुबनी बिहार, झोराहाट नाट्य समूह मोरंग, प्रतिबिंब जनकपुर, स्नातकोत्तर संगीत एवं नाटक विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा आ लोक संचार आ शिल्पी थिएटर काठमांडू के समूह नाटक प्रदर्शन कने। नाटक महोत्सव के समापन समारोह में नाटककार महेन्द्र मलंगिया महोत्सव आयोजना से मैथिली रंगमंच जागरूक हेत विश्वास व्यक्त कलन। साहित्यकार रामभरोस कापड़ फिर से मैथिली रंगमंच उत्साहित भेल कहते खुशी व्यक्त कलन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानक प्राज्ञ परिषद सदस्य रमेश रंजन झा के अग्रसरता में जनकपुर में नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमांडू महोत्सव के आयोजना कने। महोत्सव के सहभागी लोकन सम्मान संगे सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान कैल गया। काठमांडू उपत्यकावासी के बीच लोकप्रिय आंगन मिठाई भंडार माछी परल घिउ राखिक मिठाई बनबित आयल भेटल। आपूर्ति मंत्रालय अंतर्गत के आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग पाटन औद्योगिक क्षेत्र भीतर संचालित उद्योग सबके बुध दिन के अनुगमन के क्रम में आंगन मिठाई भंडार सरसफाई में चरम लापरवाही कक माछी परल घिउ प्रयोग कक मिठाई बनबित आयल भेटल। आंगन मिठाई भंडार पशुपति फूड्स प्रणाली अंतर्गत संचालित है। पशुपति फूड्स के भंसा कोठली फोहर देखम आयल। भंसा में काज करे वाला कर्मचारी सब हाथे बिना धोने मिठाई बनबित आयल अनुगमन के क्रम में भेटल। हाथ धोबक लेल कर्मचारी सब के सफा पानी के व्यवस्था नहीं केने पाओल गेल। अनुगमन में संलग्न आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागक निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ बतौलन। मापदंड अनुसार के नहीं पौला के बाद विभाग चिप्स बनाव वाला भंसा बंद कर तथा सरसफाई में ध्यान देव निर्देशन दिलक। विशेष गरेर सरसफाइमा पटक्कै ध्यान नदिएको पायौँ। जस्तो कि अब आलु चिप्स बनाइरहेको किचन छ, त्यसमा चाहिँ ओपेन छ, त्यो ओपेन ठाउँमा चाहिँ नि बाहिरबाट हावा हुरीले जुनसुकै झिङ्गा फोहोर धुलो किटपतङ्ग त्यो चाहिँ नि लैजाने सम्भावना छ। त्यो किचनलाई तुरुन्तै क्लोज गर्नु पऱ्यो पहिलो नम्बर। दोस्रो कुरो, हामीले जुन मिठाई बनाउन प्रयोग गरिने घिउ छ, घिउमा चाहिँ नि प्रत्यक्ष हामीले झिङ्गा देख्यौँ। त्यो झिङ्गा चाहिँ नि भएको घिउ करिब 1.5 लिटर चाहिँ घिउ हामीले नष्ट गऱ्यौँ। कामदार कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि ह्यान्ड वासको व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ कहीँ पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ प्यानको व्यवस्था, त्यहाँ धाराको व्यवस्था छैन र एप्रोन चाहिँ नि पर्याप्त मात्रामा लगाएको खाली चाहिँ नि क्याप लागेको देखियो। पन्जा छैन, अरू चाहिँ नि तल चाहिँ नि एप्रोन छैन। त्यो कुराहरू लगाउनको लागि हामीले निर्देशन दिएका छौँ। किचनमा चाहिँ नि पानी जाम भएको छ, फोहोर जमेको छ, त्यो किचनको ड्रेनहरू चाहिँ नि खुला गरेर त्यसलाई तुरुन्त सफा गर्नको लागि हामीले निर्देशन दिए। विभागका अनुगमन टोली उद्योग छ मिठाई बनाउनमा प्रयोग होवाला आटा घिउ के नमुना परीक्षण के लिए संकलन केला कै छ। टोली उद्योग परिसर में उद्योग संचालन के अनुमति पत्र आ अन्य कागजात सेहो नहीं भेटला के बाद तीन दिन भीतर विभाग में पेश कर निर्देशन दिलक। विभाग बुध दिन पाटन औद्योगिक क्षेत्र भीतर संचालित कुंड पानी प्रशोधन उद्योग आ शक्ति फूड्स प्रणाली के से अनुगमन कलक। पानी उद्योग के अनुगमन में आपूर्ति मंत्री गणेश मान पुन सेहो सहभागी छलथ। ओ दूटा उद्योग मापदंड अनुसार संचालन में रहल पाओल गेल विभाग जनौलक। यद्यपि विभाग ओहि उद्योग के उत्पादन सेहो परीक्षण के लिए संकलन कलक।
विभाग मंगल दिन कारीमाटी या बलखु स्थित तरकारी बजार के अनुगमन केने छल। गुणस्तर में लापरवाही कक उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर खेलवाड़ करवाला तथा ढग तराजूमी मार्फत ठगी कर के क्रम बढ़ला के कारण से अनुगमन के निरंतरता दिल गेल आपूर्ति मंत्री पुन बतौलन। उद्योगी सब प्लास्टिक के झोरा में झोरा के प्रयोग में रोक लगाकर देखाव सरकार के चुनौती दे रहा है। प्लास्टिक उद्योगी सब बुध दिन देश के मुख्य प्रशासनिक केंद्र सिंह दरबार परिसर में रहल जनसंख्या तथा वातावरण मंत्रालय के सभा कक्ष में पहुंचकर प्लास्टिक के झोरा के प्रयोग में प्रतिबंध लगाकर देखाव चुनौती दे रहा है। 2072 साल वैशाख 1 गते से काठमांडू उपत्यका में 40 माइक्रोन धर के प्लास्टिक के झोरा के उत्पादन बिक्री वितरण आ प्रयोग में प्रतिबंध लगाने सरकार आगामी साउन 1 गते से सब प्रकार के प्लास्टिक के झोरा में देशव्यापी रूप में प्रतिबंध लगाए वाला है। विषय में जानकारी कराब के लिए मंत्रालय बुध दिन प्लास्टिक उद्योगी सबके अपन सभा कक्ष में भजौने छल। मुदा प्लास्टिक उद्योग संघ के अध्यक्ष शरद शर्मा सरकार अपना सब संगे बिना कोनो सलाह केने विकल्प प्लास्टिक के झोरा में प्रतिबंध लगाव के निर्णय केने कहे निर्णय कोनो हालत में स्वीकार नहीं कर बतौलन। वो उद्योग मंत्रालय उद्योग खोल के अनुमति देव वाला देत आ ओकर बाद वातावरण मंत्रालय बंद करत एहन निर्णय क व्यवसायी के करोड़ों रुपया के लगानी खतरा में पड़त कहत निर्णय कार्यान्वयन क देखाव वातावरण मंत्रालय के अधिकृत सबके चुनौती दिल। जवाब में वातावरण विभाग के महानिदेशक गणेश कुमार श्रेष्ठ कहलन अपना सब संग सरकार के निर्णय कार्यान्वयन कर के विकल्प नहीं बतौलन। वो निर्णय कार्यान्वयन कर से पहले विभाग या अखार महीना भीतर उद्योगी आ सरकार सरकार वाला मंत्री सब बीच छलफल कराब के बतौले नहीं है। वातावरण मंत्रालय वातावरण प्रदूषण केने कहते काठमांडू उपत्यका में प्लास्टिक के झोरा में प्रतिबंध लगाब के निर्णय केने 15 महीना भ चुकल हो तो निर्णय के प्रभावकारी कार्यान्वयन होब नहीं सकल है। अभी अवधि में मंत्रालय निर्णय कार्यान्वयन कराब के क्रम में 19 गोटे व्यवसायी वितरक आ उद्योग के कार्रवाई स्वरूप 3,30,000 रुपया जरिमाना करौने अस्त 1,823 किलो प्लास्टिक के झोरा जफत कर नष्ट कलक। कपिल वस्तु के चंद्रटा में बाज नहीं सक वाला महिला ऊपर भेल सामूहिक बलात्कार के घटना के विषय में संसदीय समिति छानबीन कर वाला है। व्यवस्थापिका संसद के सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति 35 वर्षक महिला ऊपर बीतल जेठ 30 गते भेल सामूहिक बलात्कार के घटना के विषय में छानबीन कर वाला है। समिति बुध दिन सिंह दरबार में बैसल बैसार से छानबीन के लिए 5 सदस्यीय उप समिति गठन कलक। पति छोड़ने तथा 18 वर्षक बेटा रोजगारी के क्रम में भारत में रहल चौधरी थर के महिला के मेला ऊपर बीतल जेठ 30 गते कपिल वस्तु के चंद्रटा स्थित जबई खोला में सामूहिक बलात्कार भेल छल। बलात्कार में संलग्न रहला आशंका में प्रहरी चंद्रटा स्थित भिंदवासिनी सशस्त्र प्रहरी गण के सहायक हवलदार राजू चौधरी आ जवान लोकराज अवस्थी के हिरासत में लक अनुसंधान कर रहा है। समिति के सदस्य सब बलात्कार के गण के बलात्कार में गण के करीब 1 दर्जन सशस्त्र प्रहरी संलग्न रहल बलात्कृत महिला सांकेतिक भाषा मार्फत जानकारी देने कहित बलात्कार में संलग्न सबके कार्रवाई के दायरा में आना पर जोर देने है। जी त्यहाँ आहार खेले जस्तो गरिकन हिलो भएको थियो त्यो बिन्दवासिनी घरको उत्तरपट्टिको ठाउँमा त्यसो गरिकन उसलाई चाहिँ अब शारीरिक सबै हिसाबले टोक्ने अब खुट्टाहरूमा समय टोक्ने गरेको हुनाले अब त्यो 1-2जनाले मात्रै गरेको होइन संलग्न छैनन् र त्यो अरूहरू बचाउने सिलसिलामा अब 2जनालाई कारवाहीको सिलसिलामा अगाडि बढाउने आपसमा मिल्ने र अब केस अगाडि बढाएर अरू बस्ने खालको त्यहाँ देखिन्छ। यहाँ गृहमन्त्री र सशस्त्रको प्रमुखलाई चाहिँ बोलाएर यहाँ उभ्याउनै पर्छ। कुनै पनि हालतमा कोही पनि त्यो बलात्कारीले उभिन पाउँदैन, उनीहरूलाई आजीवन कैद। समिति चंद्रटा बलात्कार के घटना के विषय में जानकारी लेब गृहमंत्री शक्ति बस्नेत आ सशस्त्र प्रहरी के महानिरीक्षक के बैसार में बजाब के निर्णय कलक। प्रहरी बलात्कार भेल स्थान से सशस्त्र प्रहरी के खेलकूद सामग्री चप्पल साबुन लगायत के वस्तु बरामद कलक। बलात्कृत महिला के अखन काठमांडू स्थित प्रसूति गृह में इलाज भ रहा है। स्पेन के एक अदालत अर्जेंटीनी फुटबल स्ट्राइकर लियोनल मेस्सी के 21 महीना के जेल सजा सुनलक। स्पेनिश फुटबल क्लब बार्सिलोना के स्ट्राइकर मेस्सी के कर नहीं तीर्ने आरोप में अदालत दोषी ठहर करे जेल सजा सुनौने जनाओल गेल। अदालत हुनकर बाबू जोर्गे मेस्सी के सेहो जेल सजा सुनौलक। मेस्सी सन 2007 से 2009 धरि में स्पेन में कमौने 46 लाख अमेरिकी डॉलर हुनकर बाबू कर नुकाकर रखने आ कर नहीं लागे वाला देश उरुग्वे आ बेल्जियम में प्रयोग केने आरोप में हुनका दोषी ठहर कयल गेल। अर्जेंटीनी राष्ट्रीय टोली से संन्यास के घोषणा क चुकल मेस्सी अपन आर्थिक गतिविधि के विषय में अपना के कोनो जानकारी नहीं रहल बतबे जाल।
अहिबीच दक्षिण अफ्रिकी एथलीट ऑस्कर पिस्टोरिस के अपन प्रेमिका के हत्या के अभियोग में अदालत 6 साल के सजा सुनौलक। पिस्टोरियस अपन गर्लफ्रेंड रिबा कैंप के 2013 साल के फरवरी महीना में गोली मार के हत्या के सल। बीबीसी समाचार अनुसार 29 वर्षीय पिस्टोरियस अपन प्रेमिका रिबा स्टीन कैंप के एक बंद रहल कोठली में शौचालय में 4 बेर गोली मारने सल। पिस्टोरियस अपन प्रेमिका के गोली मारने स्वीकार करतो अपने घुसपैठिया बुझक गोली चलाने बतौनी। अंत में हेडलाइंस फिर से नेकपा माओवादी का 8 गोटे सांसद सब मानव तस्करी में संलग्न रहल का अनुसंधान शुरू। पार्टी द्वारा सेहो छानबीन। आई इस्लाम धर्मावलंबी सबक पावन ईद उद फित्र सरकार द्वारा सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा। तत्कालीन सभासद सदरुल मियां हक के हत्या आरोप में उनके कन्या आ बेटी के जिला अदालत राजबिराज द्वारा कमकेद का फैसला। धमसा के हरदीनाथ बनेनिया स्थित राष्ट्रीय धान वाली अनुसंधान कार्यक्रम किसान सेवी कर्मचारी के हितकर संस्था बनल। आईएसबीएन के एक अदालत द्वारा अर्जेंटीनी फुटबॉल स्ट्राइकर मेसी के 21 महीना की जेल सजा। अपन न्यूज अखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहे अपन टीवी। नमस्कार।